पूर्वी सिंहभूम जिले के नदी तटीय इलाकों में बालू का अवैध उठाव बदस्तूर जारी है। बालू तस्करी के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जबरदस्त हमला बोला है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सह बहरा गोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने गुड़ाबांधा प्रखंड के केंदुआपाल गांव का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में बालू तस्करी के खेल का खुलासा किया और राज्य सरकार पर बालू माफियाओं को संरक्षण देने का सीधा सीधा आरोप लगाया। उन्होंने क्षेत्र में ग्रामीणों की शिकायत को अनसुना करने वाले स्थानीय थाना प्रभारी पर कार्रवाई की भी मांग की है। मैं जिस जगह खड़ा हूं, अगर आपको मैं ये कहूं कि यहां एक पीसीसी की सड़क है तो शायद ही कोई विश्वास करेगा। आप देख सकते हैं ये इस राज्य सरकार में जो आज स्थिति है भ्रष्टाचार की, और बालू के तस्करों ने ग्रामीण इलाकों का क्या हश्र कर दिया है, ये ताजा उदाहरण है। मैं अभी गुड़ाबांधा प्रखंड के आंगारबाड़ा पंचायत के केंदुआपाल गांव में हूँ। ये सड़क केंदुआपाल नदी का जो घाट है, स्वर्णरेखा नदी का, उसको केंदुआपाल गांव से जोड़ती है। मेरे साथ ये तमाम युवतियां हैं, महिलाएं हैं, गांव के ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, ये सभी लोग हैं। और इनका कहना है कि बालू की जो खुलेआम अवैध तस्करी चल रही है इस जिले में, वो उसका ताजा उदाहरण है कि ये पीसीसी की सड़क गायब हो चुकी है। इसके ऊपर लगभग 4 परत की बालू यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पूरा रास्ता जो है इतना दलदल है कि कोई पैदल भी नहीं चल सकता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो तो वो मरीज अस्पताल पहुंचने के पहले यही दम तोड़ देगा। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका गर्भ इसी रास्ते में हो जाएगा, ये तय है। क्या ये विकास का पैमाना है? और सीधे तौर पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसमें स्थानीय विधायक का संरक्षण प्राप्त है इन बालू तस्करों को, उनके खुलेआम संरक्षण में ही यहाँ बालू की तस्करी का काम होता है। और जो तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो तमाम लोग इस बालू के धंधे में हैं, वो तमाम लोगों के साथ यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण है और उनको प्रशासनिक सांठगांठ है। यहाँ पर जो प्रखंड की जो पुलिस है, आप देख सकते हैं यहाँ की थाना की पुलिस का क्या कारनामा है। लगातार ये ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर थाना को कई बार इसकी सूचना दी गई है। मैं SSP महोदय से भी आग्रह करूंगा, ऐसे थाना प्रभारी को अविलंब इस थाने से हटाया जाए जिसके संरक्षण में यह पूरा खेल चल रहा है। और जल्द ही मैं राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर इस पर कार्रवाई करने की मांग करूंगा। और इसी रास्ते से आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे भी गुजरते हैं। आप समझ सकते हैं कोई आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे की उम्र क्या होती है। उस उम्र का बच्चा अगर इस रास्ते पर चलेगा, उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके साथ क्या घटना घट सकती है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जल्द ही मैं राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर ऐसे बालू तस्करों पर और ऐसे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिनके सांठगांठ में यह पूरा खेल चल रहा है, उन पर कार्रवाई करने की मांग करूंगा। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TNT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।